वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी के साथ आए हैं। हमारा नया टॉपिक है संविधान सभा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। वर्ष 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों का इच्छानुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल लाजपत राय, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वर्ष 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारत संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? हमारा ऑप्शन ए सुभद्रा देवी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी राय बहादुर, ऑप्शन सी ए के सिन्हा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है एम एन राय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। एंड इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1991 एंड ऑप्शन डी 1936। एंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1936। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए स्वराज योजना, ऑप्शन बी स्वतंत्र योजना, ऑप्शन सी क्रिस्प योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिप्स योजना। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1945, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान 1947 एंड ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्लान 1948। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी स्वदेशी योजना, ऑप्शन सी मिशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। आप जो भी हमारे प्रश्न देख रहे हैं इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जिसका कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके डाउनलोड करें और खुद से भी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी मद्रास एंड ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 380 एंड ऑप्शन डी 382।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 208 एंड ऑप्शन डी 206। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 208। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? हमारा ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 305 एंड ऑप्शन डी 311। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 49। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 70। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 277, ऑप्शन बी 254, ऑप्शन सी 229 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 229। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? ऑप्शन ए 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 15 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 लाख व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए मिश्रा प्रांत, ऑप्शन बी वित्त प्रांत, ऑप्शन सी नियुक्त प्रांत, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। हमारा आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? इसका बोलने का तात्पर्य है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए पूर्व बंगाल से, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन सी दक्षिण बंगाल से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से। तो आज के लिए हमारे संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। संविधान सभा के ही कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं तो उन्हीं के साथ हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।